ओके एवरीवन, सो माय नेम इज आवर्ड एंड ब्रो, आज अपन लोग मिलकर के भाई 50 कार्स इंपोर्ट करने वाले हैं। अब ये कोई ना आम 50 कार्स नहीं है यार, ये है 50 आम व्हीकल्स, ठीक है ना। तुम देखे नहीं होंगे भाई कभी, आ जाओ एक बार। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है भाई कि लास्ट वाली वीडियो में अपन एक नया घर खरीदने की बात करी थी, है ना। एंड वो घर था भाई अपना 3 मंजिला घर, एंड तुम में से काफी लोगों को पसंद आया एंड काफी लोगों को दिक्कत भी आई उस घर से। दिक्कत क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम में से काफी लोगों को दिक्कत ये थी कि भाई आपने वो घर जो ले रहे हैं वो ठीक तो है, बट वो 200 मिलियन लायक तो नहीं है यार। एंड मैंने सोचा भाई ऑल द अपने पास $2 बिलियन है, अपने को ऐसे खर्च नहीं करने चाहिए। तुमने सही बोले भाई, तुमने यार सही रास्ता दिखाते हो, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अपन $200 मिलियन नहीं देंगे उसको, $80 मिलियन का घर था, अपन उसको $100 मिलियन में फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। उससे ज्यादा नहीं देने वाला हूँ मैं, बट ब्रो घर खरीद रहे हैं अपन। उसका रीजन क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उसका रीजन ये है यार, जैसे कि तुमने देखा होगा कल अपना जो वो घर है भाई, उसकी पार्किंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया है ना, एंड वो 3 मंजिला भी है। तो मेरे को ऐसा लगता है भाई, कल को अपन कुछ भी चोरी करके सामान लाते हैं ना तो उसमें रख देंगे अपन। बिकॉज यार मैक्सिमम लोगों को अपने पुराने घर के बारे में तो पता लग गया है ना, भले माफिया हो टेररिस्ट हो, तो वो भी सेफ नहीं रहा है अभी। एंड ये वाला घर अपने को थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, तो मैंने सोचा ब्रो एक तरह स्टोर हाउस के लिए इसको रख लेते हैं, सही रहेगा, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को, एंड अपने पास भाई पैसे बहुत है ना। तो $80 मिलियन से ब्रो मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा नुकसान है अपने को। एंड मेरे को ये भी लगता है भाई कि $80 मिलियन में ना अपने को उससे बड़ा घर तो नहीं मिल सकता यार, ठीक है। बिकॉज ब्रो लॉस सैंटोस महंगी जगह है, ये वाली जो जगह है स्पेशली बेवली हिल्स का जो इलाका है भाई, और भी महंगे लोगों के लिए है ना। एंड अपने को तुम जानते हो भाई, अब अपने डील कर लिए, $100 मिलियन में अपन घर खरीदने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ उसको पैसे देने के लिए, गाड़ी में अपने पैसे पड़े हैं तो एक बार उसको पैसे देते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ब्रो बाकी काम अपन करते रहेंगे एंड बैग लेके घूमेंगे तो रिस्क रहता है, यू नो। चोरी चकोरी बहुत बढ़ गई है यार आजकल, लोग अपने को देख देख के सीख रहे हैं ना। पिछली वीडियो में तुम्हें पता होगा चॉप ने भाई दूसरे कुत्ते को मार दिया यार। मतलब मैंने भी सोचा भाई चॉप साइलेंट किलर निकल रहा है ब्रो, अपने कॉपी कर रहा है यार। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई नहीं, और भी कई लोग अपने चोरी करना सीख रहे हैं। पहले काम करते हैं अपन, पैसे दे देते हैं, ठीक है, घर के, देन अपन करेंगे भाई अपनी 50 आम व्हीकल्स की बात, ठीक है। तो अपना घर यार यहीं के आसपास तो था, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक तो घर पता नहीं लगता। एंड ये रहा अंकल, यार अंकल ये रहा मैं, किधर दिला रहा है भाई हाथ, ये रहा यार मैं। तो अभी इसको पैसे देते हैं अपन, ठीक है ना, गाड़ी में से मैं पैसे निकाल लेता हूँ, ठीक है यार। तो ब्रो अपने पैसे निकाल लिए, अंकल को पता नहीं क्या कर रहा है। अंकल मैं हूँ, मेरे को घर देना है, उधर क्या देख रहा है भाई, पागल हो गया है क्या यार। हाँ अब याद आया ब्रो, मैं घर खरीदने वाला हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब आजा अंदर यार, अंदर जाके भाई तेरे को पैसे देता हूँ। भाई खुले में रिस्क रहता है ना, आजा चला जा। ओके अभी अंदर चलते हैं भाई अपन गैरेज में, ठीक है ना। एंड वहां पर इस आदमी को अपन पैसे देते हैं, एंड ये घर अपना हो जाएगा भाई। एंड मैं तुम्हें एक बार और बता देता हूँ भाई कि ये घर को खरीदने के पीछे मेरा एक रीजन है, सबसे बड़ा वो है ये पार्किंग। तुम देख रहे हो भाई ये स्पेशल पार्किंग अपने लिए, एंड मेरे को नहीं लगता भाई कितनी बड़ी पार्किंग और किसी घर में अपने को मिल सकती है ना। तो इसलिए मैंने घर खरीदा है भाई, बहुत सिक्योर भी है ये, सामने की तरफ सेंसर वाला गेट लगा रखा है, पीछे गेट है। तो भाई मेरे को लगता है ये घर बेस्ट है, $80 मिलियन में कुछ जा भी नहीं रखना है ना। तो अभी पैसे देते हैं इसको, एंड देन मैन बात पे आते हैं ना। तो भाई अपन ने फाइनली पैसे दे दिए हैं, ठीक है, $100 मिलियन। एंड भाई $20 मिलियन जब मैंने उसको एक्स्ट्रा दिए ना ब्रो, खुश हो गया है बंदा, ठीक है। इस खुशी के लिए भाई पैसे की वैल्यू तो ज्यादा नहीं होती है ना, एंड वैसे भी अपने पास भाई $2 बिलियन पड़े हुए हैं। तो अपन ने भाई ये घर फाइनली हो चुका है, ये 913। तो पहले उसको पार्क करते हैं अपन अंदर, चल भाई कार। ओके तो भाई ये पहली कार है जो अपने नए घर में पार्क होने वाली है ना। चलो भाई तो इधर अपन पार्क करते हैं अपनी कार को, है ना। एंड अभी अपन यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज मैं तुम्हें बताता हूँ भाई आगे का प्लान क्या है, ठीक है। अब तुम्हें पता तो है भाई अपन ने पूरा का पूरा घर खरीद लिया, ठीक है ना, $100 मिलियन में। मैंने सोचा था यहाँ पे कोई ना कोई तो कार खड़ी होगी, बट कोई सी भी नहीं खड़ी है, कोई बात नहीं ब्रो। एंड यार मैंने तो खुद ने पहली बार देखा है भाई, बाहर भी अपने घर का नंबर लिख रखा 913, बहुत सही। बिकॉज ब्रो अभी अपन जा रहे हैं अपनी मैक्लेरेन P1 GTR को लेने। तुम्हें याद तो है ना भाई कहाँ पड़ी है वो, बहुत दिनों पहले अपन उसकी जगह खड़ी करके आए थे। बट यार मेरे को कोई कार क्यों नहीं दिख रही है, कोई ना कोई तो कार खड़ी होगी यार। ओके तो ये रही कार, इसमें अपन बैठते हैं, ठीक है ना। इसको अपन धीरे धीरे बहुत ही शातिर से चोरी करते हैं, ठीक है। ये कैसी कार है भाई ये, अबे क्या चीज है, ये कार ही है ना, कोई अंदर है तो नहीं, कोई भी नहीं है अंदर भाई। ओके तो गाड़ी भाई किसी ने अनलॉक ही छोड़ रखी है क्या। ओके ब्रो गाड़ी अनलॉक थी, एंड इन लोगों को शायद पता नहीं है भाई कि इस एरिया में कौन रहता है, नहीं तो ये लोग इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करते है ना। तो खैर कोई नहीं, अभी अपने को जाना है भाई अपनी GTR को लेने के लिए। एंड तुम्हें नहीं पता है ब्रो अपनी GTR कहाँ पे खड़ी है, तो मैं तुम्हें बताऊं, जो एयरपोर्ट का रोड है ना उसके पास में एक पार्किंग है, वहां पर अपनी GTR खड़ी है। उसको अपन खड़ी करके आए थे बिकॉज उस टाइम माफिया का डर चल रहा था, अपने को लग रहा था कि मैं माफिया अटैक कर सकता है अपनी कार्स पर। तो इसलिए मैंने कहा भाई GTR अपनी बहुत ही दिल के करीब कार है, उसको अपन सेफ रखेंगे, है ना। बट माफिया यार कर नहीं पाया भाई कुछ, बेचारा माफिया, उसकी आखिरी ख्वाहिश आखिरी रह गई। नहीं यार एक तो अपन हर वीडियो में माफिया को याद क्यों करते हैं यार, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो बंदा ना भाई कुछ ना कुछ बहाने करके याद आ ही जाता है अपने को, मरने के बाद भी पीछे नहीं छोड़ रहा है भाई, कितना खराब आदमी है यार वो। एंड भाई अपनी कार बड़ी कूल लग रही है, यू नो फुल ब्लैक कलर है, मैट ब्लैक,
गैंगस्टर लुक आ रहा है यार। मेरे को नहीं पता भाई ऐसी कार है कौन सी वैसे ये, लेकिन जो भी है बढ़िया है। अब इसको चोरी नहीं करेंगे अपन यार, ठीक है, बिकॉज चिट्टू पिट्टू चोरी नहीं करते अपन, ये ना बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं अपन। तो मुझे ना यार एक बात और करनी है तुम लोगों से, वो बात ये है कि भाई तुम सब लोग जानते हैं यूट्यूब को, है ना, एंड अभी हाल ही में यूट्यूब का एक नोटिफिकेशन आया है कि वो भी पोल जो बटन होता था ना, जहाँ पे मैं तुम लोगों से पूछ सकता था भाई कि अपन क्या चीज खरीदे तुम वोट करो, वो बंद होने वाला है, ठीक है। तो मैं आज के वीडियो में तुमसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि भाई अपन अगले वाले वीडियो में अपने लिए कोई कार खरीदने वाले, ठीक है ना। वहां पर मैंने ना यार तुम लोगों को दो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, अपनी स्टोरी के अंदर, अभी के अभी जाके वोट करो ब्रो। अब मैं क्या करूं भाई यार, यूट्यूब ने हटाई दिया ऑप्शन पोल का, तो मैं क्या कर सकता हूं ये बताओ तुम मेरे को, है ना, कि ज्यादा वोट आएंगे वो कार अपन खरीदेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पे तुम्हें यूजर आईडी दिखा रहा होगा, ठीक है ना, मजा आएगा भाई, दोनों कार बहुत खतरनाक है, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर। एंड अभी अपन चलते हैं साइड में, यार ब्रो अपनी कार दिख क्यों नहीं रही है मेरे को, अरे मेरी कार कहां पर है भाई, ये नहीं हो सकता यार, मेरी कार किधर गई, इतनी ज्यादा कार्स खड़ी, ये रही, जान में जाना ही मेरी यार, अभी मेरे को लगा भाई मेरी कार चोरी हो गई और बच गया मैं भाई। ओके कोई बात नहीं, काम करते हैं अपन, इस वाली कार को यहाँ पे पार्क कर देते हैं, ठीक है ना, अपने को मतलब नहीं भाई किसकी, अपन ने तो चलाई नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ कोई ब्लैक कलर की कार भी होती है क्या भाई आसपास, मेरे को तो नहीं पता यार, पता नहीं किसकी खड़ी है यहाँ पर, अपनी कार तो ये रही भाई, अपन इसको लेने आए हैं, ठीक है। तो ब्रो फाइनली अपनी कार ने यार बिल्कुल सही है, मतलब थोड़ी सी खराब हो गई है, धूल वगैरह लग चुकी है, गंदी हो गई है, बट उसके अलावा ब्रो कार बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मेरे को एक बार को तो लगा भाई अपनी कार गयो भाई, आज तो नहीं मिलेगी, किसी ने चोरी कर ली, बच गए भाई बच गए। तो ब्रो यार एक तो अच्छा काम हो गया, ठीक है ना, अपने साथ में अपनी कार मिल गई है फाइनली यार, एंड बिल्कुल सही है, ठीक है ना, मतलब थोड़ी बहुत धुलाने की जरूरत है, बाकी बिल्कुल सही है। अभी अपन जा रहे हैं भाई एयरपोर्ट की तरफ, तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि अपन एयरपोर्ट में भाई 50 आम व्हीकल इंपोर्ट करा है, ये तुम बोल सकते हो ब्रो 50 आम कार, ठीक है ना, मतलब आज तक किसी ने ये काम नहीं कराया भाई, 50 आम कार का अपन कर रहे हैं पहला काम, एंड मैं सोच रहा हूँ ब्रो अपन इसका धंधा चालू कर देते हैं, है ना, बिकॉज होता क्या है ना ब्रो, यदि आप कोई भी आम व्हीकल बेचते हो ना, वो परमिशन आपको नहीं मिलती है, वो केवल केवल मिलिट्री कर सकती है लॉस सैंटोस में, एंड ब्रो अपने को तो बेचना है, बिकॉज अपने को पैसे कमाने हैं भाई, तो इसलिए मैंने सोचा भाई अपन चोरी छुपे सीक्रेटली सारे कार बेचेंगे, ठीक है ना, आम व्हीकल। अब भाई 50 मंगा भी लिए अपन ने, जोर जोश में तो बेचना तो पड़ेगा, है ना, एंड वो सारे आम व्हीकल खड़े हैं भाई अपने सीक्रेट हैंगर पर। तुम्हें पता है ना भाई लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पर एक हैंगर ऐसा है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, एंड वहां पर किया जाता है ये सब काम, ये सारा काला धंधा वहां पे होता है। मैं बड़ा ही नहीं हूं, बहुत टेंस साउंड कर रहा था अभी, अब मजा आएगा तुम्हें कार्स देखकर, ना तुमने कभी देखी नहीं होगी भाई ऐसी कार्स, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अरे ए गार्ड कहां पर है यार, इस गार्ड के बारे कभी रहता ही नहीं है क्या यहाँ पर, जब मेरी इच्छा होती है मिलने की तब रहता ही नहीं है कभी भी यार, तो क्या कोई नहीं, अभी अपन चलते हैं हैंगर में ना भाई, मजा आएगा भी देखने के बाद में। एंड ये देखो ब्रो क्या लगती है ना अपनी रेसिंग कार भाई, कंपटीशन नहीं है यार, ओहो तुम्हें पता है भाई ये वही हैंगर है जब अपन देखने गए थे ना गोल्ड प्लेन को, वही हैंगर ये है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा सीक्रेट, बहुत कम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको, एंड वो हैंगर है भाई ये रहा, वन नंबर लिख रखा ना इसके आगे, ये हैंगर है वो, इसकी एंट्री होती है पीछे से। तो अपन एक काम करते हैं अपनी कार को तो यहाँ पे पार्क कर देते हैं, एंड अभी चलते हैं अंदर की तरफ, है ना, तो यहाँ से एंट्री होती है, अभी चलते हैं अंदर। ओके तो अपन अभी अंदर आ चुका है ना, एंड भाई मेरे को तो सच बताऊं तो यहाँ से भाई गूज़बम्स आने लग गए यार, क्या चीज है यार ये इतनी ज्यादा। अभी चलते हैं अपन अंदर की तरफ भाई, क्या बात है यार, तुम देख रहे हो मतलब ऐसा लग रहा है भाई जंग के मैदान में आ चुके हैं अपन, मेरे को सेम टोनी स्टार्क वाली फीलिंग आ रही है, जब शुरू में टोनी स्टार्क बेचता था ना भाई आर्म्स वगैरह लोगों को, है ना, युद्ध कराने के लिए, वैसी फीलिंग आ रही है भाई कि मैं ऐसा धंधा करने वाला हूँ। एंड ब्रो क्या बात है, कौन कौन सी कार्स है यार, ये देखो भाई टैंक्स भी है यहाँ पर, एंड ये सारी की सारी कार्स है ना ब्रो, नॉर्मल कार्स नहीं है, ठीक है ना, आपको चलाने के लिए नहीं है कार्स, ये कार्स सीधे कह के लेने के, छोटो बैन हो गया अच्छी बात है, ये सारी कार्स है यार ढोकने के लिए, ठीक है लोगों को डायरेक्ट। यार ब्रो क्या बात है, अपन एक काम करते हैं स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है ना, मैं तुमको एक एक कार बताता हूँ भाई कैसी कैसी है, शुरू में चलते हैं अपन। एंड ब्रो तुम देख रहे हो कितने ज्यादा बॉडी गार्ड्स हैं यहाँ पर यार, इनके हाथ में क्या है भाई ये, ओहो ये वही वाली गन है शायद, एलियन वाली है ना इनके हाथ में भाई, ज्यादा पंगा नहीं करेंगे अपन, खैर कोई नहीं ब्रो, अपन ने ये सारी कार्स मंगाई है, एंड मैं तुम्हें बताऊंगा भाई कितने की मंगाई है अपन, है तुम एक बार सबर करो, ठीक है। तो ये देखो यार यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है ना, ये जो कार्स है भाई स्पेशली वीआईपी लोगों के लिए है, उनको जो आगे पीछे कार रखनी होती है ना, बीच में खुद चलेंगे, आगे तीन कार पीछे तीन कार, जो स्वैग चाहिए लोगों को, तो ये कार जो है भाई उनके बॉडी गार्ड के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो भाई ऊपर की तरफ मिनी मशीन गन लगा रखी है अपने कार्स में, पूरी कार्स भाई बुलेट प्रूफ है, ठीक है। एंड इस साइड चलते हैं ब्रो, यह है प्रॉपरली कह के लेने वाली कार्स
भाई, इन कार्स को ना ब्रो तुम कहीं भी चला लो, कोई भी ऑफ रोड में चला लो भाई, देख रहे हो 6x6 है, कहने का मतलब ये भाई 6 टायर से इन कार में ऑफ रोड चलाओ, पहाड़ पे चढ़ाओ, कहीं भी करो यार। एंड तुम देख रहे हो भाई ऊपर तो अपने गन लगाए रखी है इनमें, ये भी बहुत ही ज्यादा सही है। एंड ये कार से भाई अपने होमीज के लिए ठीक है, ये मसल कार्स, इनके ऊपर अपन ने गन लगवा दी है ठीक है ना, इसके ऊपर भी तुम देख रहे हो भाई मिनी मशीन गन है। एंड यहाँ पर जो ये कार है ना भाई, इस कार के है सबसे ज्यादा पैसे, बिकॉज तुम्हें दिख रही होगी भाई ये कोई आम कार नहीं है। एंड जहां तक मेरे को याद है ना ब्रो, तो माइकल ने भी शायद यही कार चुराई है कल है ना, तो मैं देखा ये भाई ये कार के परफॉर्मेंस क्या भगती है ना ये कार ब्रो। एंड के आगे भी गन लगा रखी है तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये भी फुली बुलेट प्रूफ है ओके। एंड इसका मॉडल कुछ कुछ बैटमोबाइल की तरह लगता है, बैटमैन डार्क वाइब्स डार्क नाइट ठीक है गौतम, तो वो वाली बात है इनमें। एंड इधर तुम देख रहे हो भाई तो मिलिट्री के कार से, ये तो तुम्हें देख के लग रही होगी भाई क्या खतरनाक कार है यार, ये फुल सॉलिड कार है ये वाली है ना। एंड अभी पीछे चलते हैं अपन, ये वापस आ चुकी है भी ऑफ रोड के लिए ठीक है ना, ये है बहुत ही बेसिक भाई, इसको पानी में भी तुम चला सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में अपने ड्रम लगा रखे हैं ताकि पानी में तैरती रहेगी। तो जो जेट बोट होती है ना उसके अंदर जो इंजन लगता है वो इंजन लगा रखा है अपने पीछे की तरफ, ये देख रहे हो तो ब्लेड रोटेट करती है भाई इजीली, इसको तुम पानी में भी चला सकते हो, मतलब तुम्हारा दुश्मन भाई बच सकता ही नहीं है यार, भले पानी में होगा तो ये कार मार देगी। अगर तुम्हें लग रहा है लैंड टू लैंड मिलिट्री वॉर करना है तो भाई ये वाली कार है, अगर ऑफ रोड है तो वो कार है, और अगर बहुत तेज भाग रहा है तुम्हारा दुश्मन तो भाई ये कार। अपन ने भाई लोगों को मारने के तरीके बहुत निकाल रखे हैं ना, मतलब कोई बच ही नहीं सकता है यार। एंड ये वाली तो भाई तुम जाते हो टेररिस्ट का सीक्रेट व्हीकल है ठीक है ना मैंने सर। एंड पीछे चलते हैं अपन ब्रो, ये देखो ये कार है ना, ये उसके लिए जो खुद बैठेगा भाई, खुद वीआईपी है उसके लिए कार है, ये भी बहुत ही औसम कार है यार। एंड पीछे तुम देख ही सकते हो भाई अपने टैंक ही मंगा लिया, मैंने कहा भाई कभी कभी मिलिट्री में नाटक करती है ना, टैंक है अपने पास में, वरी करने की जरूरत नहीं है। एंड टैंक मैंने इसलिए भी मंगाया भाई कि लॉस सेंटर्स के आसपास चाइना वगैरह हमला कर, चाइना के और इंडिया के पास में लॉस सेंटर्स के पास नहीं है, भगवान का लाख लाख शुक्र ठीक है। तो ये देख रहे हो तुम भाई ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टैंक है ना, इसका जो डैमेज है ना ब्रो उन टैंक से 5 गुना ज्यादा है ठीक है ना, तुम देख रहे हो भाई मॉडर्न टैंक है यार, ये बहुत ही कूल लगते हैं दिखने में। एंड इससे जो ये कार है ना ब्रो, इसमें तुम देख रहे हो दोनों तरफ गन्स है, पीछे वाले बंदों को भी मार सकते हैं, आगे वाले बंदों को भी मार सकते हैं। उफ क्या बोलूं भाई मैं, क्या कार्स आई है अपने पास में, बट ब्रो मेरा दिल तो ना इन कार्स पे आया है। ये देखो तुम, ये देख रहे हो भाई बैट मोबाइल, तो मैं इंटीरियर बताता हूँ उस कार का ब्रो कैसे लगती है यार, क्या बात है, फुल यार बैटमैन वाली वाइब्स आ रही है, स्टीयरिंग पर भी बैट का फोटो लगा रखा है, बट इससे तो कोरोना भी हो सकता है ना। एंड साइड में भी देख रहे हो ब्रो तो फुल ओल्ड स्कूल टाइप का दिया गया है मेटल बिना, मस्त मतलब हार्डकोर फील आ रहा है इस कार में बैठने के बाद भाई, मेरी फेवरेट है ये, बहुत प्यारी कार है यार ये है ना भाई, क्या नजारा है ना यार, अल्टीमेट नजारा, तुम देखो भाई कितनी कार्स है, कितनी कूल कूल कार्स सारे के सारी है ना। एंड यहाँ पे एक कार वो पीछे खड़ी है अपनी, ये रही वो, तो ब्रो यार ये कुछ नजारा है यहाँ से, तब ये काम करते हैं सारी कार का पेमेंट करते हैं। एंड भाई ये सारी कार मिलके अपने को पड़ी है $350 million ठीक है ना, तुम सोचोगे भाई इतनी महंगी तो ब्रो कोई आम कार्स नहीं है यार, ये एक एक कार बिकेगी भाई $4-5 million की तो इजीली, तो अपन बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। तो एक काम करते हैं पहले अपन ऑफिस में चलते हैं ठीक है ना, इस बंदे से डील कर लेते हैं, देन अपन चलते हैं यहाँ से। और ब्रो क्या हाल है यार ब्रो, ये जो आदमी है ना ये बहुत ही ज्यादा होशियार है इन सब 2 नंबर के कामों में ठीक है ना, तो उससे भी बात करते हैं, मिलता हूँ तुमको थोड़ी देर बाद में। तो यार मैंने उस बंदे से बात करी है ना, उसने अपने को एक चीज बताई है, उसने बोला $350 million अगर मैं दूंगा तो ये 50 कार्स मेरी होंगे ठीक है ना, ऑल्दो अभी यहाँ पे पूरी 50 कार्स नहीं है, बाकी कार्स अभी आ रही है रास्ते में, सेम मॉडल ही है उनके भी, लेकिन ये 50 कार अपनी होंगे $350 million में। एंड अगर अपन इसको 50 मिलियन और देते हैं ना भाई, तो अपने को ये यहाँ पर ये देख रहे हो तुम बेडरूम, ये अपने को देगा यहाँ पर। अब तुम सोच रहे हो कि भाई ये बेडरूम के $50 million, तो ब्रो यार इसका रीजन ये है कि भाई ये ना बहुत ही ज्यादा सीक्रेट जगह है, एंड यहाँ पर कोई चाह के भी नहीं आ सकता भाई, बहुत खतरनाक सिक्योरिटी रहती है यहाँ पर, तुम देख ही रहे हो भाई कितनी ज्यादा बॉडी गार्ड है सबके पास में, और ऐसी बंदूकें जो तुमने कभी देखी नहीं होगी भाई, एलियन टाइप की है ना ये सारी बंदूकें इनके पास में। तो भाई ये जो जगह है ना लॉस सैंटोस छोड़ो तुम, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ जगह ये है ना, तो मैं सोच रहा हूँ ब्रो अपन ले लेते हैं बेडरूम यहाँ पे, बिकॉज अगर कुछ भी हो जाता है ना, अगर भले अपने ऊपर एक साथ भाई टेररिस्ट बेलास गैंग माफिया सब अटैक भी कर देना ब्रो, तो अपन यहाँ पे आके आराम से रह सकते हैं कई दिनों तक ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ ब्रो अपन ले लेते हैं $50 million देके, तो कुल मिला करके $400 million में ना अपने पास में सारी कार्स आ जाएंगी प्लस एक ही बेडरूम हो जाएगा, जब अपन मर्जी पड़े तब आ सकते हैं यहाँ पे है ना। तो मैं सोच तो रहा हूँ लेने के लिए, तुम लोग कमेंट में को अभी बताओ ठीक है ना, अपने को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज ब्रो मेरे हिसाब से तो बहुत सही डील है, अपने पास एक घर ऑलरेडी अपन ले चुके हैं जो कि स्टोर हाउस की तरह काम में आएगा, एंड एक ये ले लेंगे ब्रो,
जो कि अल्ट्रा सिक्योर हाउस है, ठीक है। तो बंदा अपने को बोल रहा है ब्रो अपन कार चेक कर ले एक बार चला के, ताकि अपने को आइडिया लग जाए कि कार है कैसी। बट मैं सोच रहा हूँ ब्रो एक कार चला लेते हैं, बिकॉज यार सारी कार सही है, ठीक है ना। ये जो बंदा है ना ब्रो, इसका यही काम है कार देना, तो मेरे को नहीं लगता ये कोई भी दिक्कत करेगा। बट फिर भी भाई अपन ये वाली कार चला के देख लेते हैं। एंड अभी टाइम तुम देख रहे हो वैसे भी भाई 7 बज गए, रात हो गई है, बाहर किसी को भी नहीं देखेंगे, चोरी छुपके ये कार चलाएंगे अपन, ठीक है ना। बिकॉज ब्रो ये कार बाहर पब्लिक में जानी नहीं चाहिए, कम से कम लोगों को पता होगा तो सेफ रहेगा। तो अभी अपन इस कार को लेके चलते हैं बाहर। ओके तो अभी अपन बाहर आ चुके हैं, शायद बाहर बारिश हुई है भाई, अभी अंदर तो पता ही नहीं लगा भाई क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में यार। अभी देखते हैं ब्रो इसकी टॉप स्पीड, एक बार तुम डिजाइन देखो इसका, भाई क्या लग रही है ना कार। आगे की तरफ बंदूक लगा रखी है, पीछे एग्जॉस्ट देखो ब्रो तुम, क्या भारी भरकम एग्जॉस्ट लगा रखा है ब्रो, अल्टीमेट यार, इतना कूल लग रहा है ना पीछे से, बहुत सही। एंड ओवरऑल भाई कार बहुत ज्यादा ही कूल लग रही है, डोप बिल्कुल है ना। अब इसकी स्पीड चेक करते हैं अपन। चलो भाई तुम देख रहे हो भाई 200 तो यहीं पहुंच गई है ये, 250, ओके कम ऑन 300 हो सकते हैं, 307। एंड ये देखो भाई क्या लग रही है ना, ओके 320, ब्रेक 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 भाई 320 की टॉप स्पीड है इस कार की। मतलब तुम समझ रहे हो ये कार ना भाई भगाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, ये केवल और केवल भाई मारने के लिए है लोगों को, है ना। बट स्टिल 300 भाग रही है, बहुत बढ़िया यार ब्रो, ये कार ना अल्टीमेट है, मैं बोल रहा हूँ तुमको ये कार बहुत ही खतरनाक है यार, मजा आ गया इसको लेने के बाद में। मतलब मैं सोच रहा हूँ एक कार अपन खुद रख लेते हैं ऐसी, है ना, बिकॉज भाई अपने ऊपर भी तो हमला हो सकता है ना, अपन कोई कम है क्या वीआईपी से भाई, अपन वीवीआईपी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो एक कार तो भाई अपन रखेंगे, एंड टू बी श्योर भाई मैं यही कार रखने वाला हूँ ना, इसको अपन रखने वाले हैं भाई। तो बहुत बढ़िया यार, अभी बहुत चला लिया ना, ज्यादा नहीं चलाएंगे इस कार को, कोई देख लेगा। ओके तो अभी अपन एक काम करते हैं भाई, पीछे वाले रास्ते से चलते हैं ना, इस कार को वापस अपन हैंगिंग में रख देते हैं, बिकॉज भाई इन कार को मैं शोरूम पर नहीं लेके जाऊंगा, है ना, ठीक है। तो यार अपन ने ये कार चला ली ना भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक कार है ये। अभी अपन आ चुके हैं वापस अपने हैंगर में, ठीक है ना, तुमने देखा भाई रात भी हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपन आज के दिन यहाँ पर रुक जाते हैं ना, बिकॉज अपन आज आज तो भाई फ्री में इस बेडरूम में रुक सकते हैं, एंड देख भी लेंगे भाई क्या मस्त नींद आती है कि नहीं आ पाती है, ठीक है। एंड तुम देख सकते हो यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, अल्टीमेट यार। तो बस यार ये कुछ आज का वीडियो था ना, अभी मैं जा रहा हूँ भाई सोने यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज आज के दिन तो अपन रुक सकते हैं यहाँ पे फ्री में। ओके तो बस यार ये कुछ आज का वीडियो था, आई होप दैट तुमको सारी कार्स पसंद आई हो भाई। कमेंट करके जरूर बताओ मेरे को कि अपन क्या करें ब्रो, ये घर खरीदे नहीं खरीदे $50 million में। एंड दूसरी बात और है भाई, इंस्टा पर जाकर फॉलो करो, वहां पर मैं क्वेश्चन पूछ रखा है तुमसे कि अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए कौन सी कार रखे, ठीक है ना। तो ये दो काम तुमको करने हैं अभी के अभी। ओके तो बस ये रही कुछ आज का वीडियो था, खत्म करते हैं इसको, आई होप दैट यू लाइक इट, मजा आ गया मेरे को यार, ठीक है। #gameo